नियो एक सवाल रहेगा मेरा जो मुझे लगता है आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस टीम का बेस्ट इस टीम का वर्स हर चीज आपने देखा है तो अभी अगर टीम की बात करी जाए टीम कहाँ पर स्टैंड करती है अभी तो शेडो के आने के बाद से बहुत स्टेबल हो गया हम लोग का टीम मतलब हम लोग एग्रेशन में बहुत लैक कर रहे थे तो उसका आइजनिंग भी ऐसा है कि जो हम लोग के प्ले को मैच कर रहा है तो अभी ये लाइन के लिए तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और जैसे ने बोला कि हम लोग फुल करने वाले जीतने का और जीत भी जाएंगे एंड उसी चीज पर अगर हम लोग करें तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम्स हो सकती हैं जो आपके लिए एक थ्रेड बन सकती हैं या फिर आप किन के लिए थ्रेड बनना चाहेंगे ओके okay, तो ऐसी तो मेरे को नहीं लगता कोई टीम है मतलब स्पेसिफिक जो थ्रेड बने हमारे लिए बाकी हमको हमारा गेम खेलना है मतलब हमारी गलतियों से सीखना वगैरह और बाकी टीम्स का भी सभी सबके लिए थ्रेट है देखा जाए तो शेडो जिस तरीके से बात करी आपकी एंट्री यहाँ पर इस टीम में हुई है व्हाट आर एक्सपर्टीज जो कि आप यहां पर देने की कोशिश करेंगे बेसिकली अभी मतलब जो स्ट्रेटेजी में लाइक हो रहा था जैसे मैंने देखा तो वही अभी हम लोग प्लान एग्जीक्यूट करेंगे बराबर से थोड़े बहुत चेंजेस प्रोबेबली बट uh, एक 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 आदमी यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यू you नो know, थम गॉड जिस तरीके से बोला जाता है क्लॉ पर शिफ्ट क्यों नहीं होते आप ये एक सवाल मेरे माइंड में लोगों के माइंड में रहता है थम से देखिए आप बहुत अच्छा खेलते हैं बट इज़ देर एनी थिंग की कभी ट्राई किया कभी सोचा है या कुछ कोई चीज़ की किसी और चीज़ पर जाना है या कुछ करना है? ना अभी तक तो नहीं क्योंकि लाइक स्टार्टिंग से जब मैं छोटू था तो तब से ही टू थम से ही खेलता है वो so अभी वो आदत ही हो गई है एंड लाइक like, पहले जो भी गेम्स खेलता था मैं टू थम पर ही खेलता था सो so, लाइक like, मेरे टू थम ही सेवन फिंगर फोर फिंगर को फेल कर देते सो so.

क्योंकि एकदम इजी हो जाता है दो साइड का कंट्रोल मिल जाता है तो हम लोग वही है कि हम लोग वापस से वही ड्रॉप पे हमारे जाएंगे ये टूर्नामेंट में जाए कुछ भी हो जाए तो हम लोग बेसिक पे स्टिक करेंगे वहां जाके भी एज अ गेमर बात करी जाए हर कोई जो बीच में खेल रहा होता है ना अपने दोस्तों से जब भी बात करता है बोलता है कि नहीं भाई देख मैं जॉनथन जैसे क्लचेस करूंगा ये करूंगा वो करूंगा कोई पीस ऑफ एडवाइस एस्पायरिंग गेमर्स को अगर आप देना चाहें वो क्या होगा सो लाइक यही बोलूंगा कि लाइक अगर आपको कुछ करके दिखाना है मतलब लाइक पहले करो वो चीज फिर बाद में बोलना एंड रही बात आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत लोग गिरेंगे बट यही है कि आप उसे कैसे इग्नोर करके आप पे खुद मतलब यही बोलोग कि बिलीव इन योर खुद पे विश्वास रोकेगा तो सब होगा एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस टूर्नामेंट से टीम की expectations तो ये कि जीतना ही ऑब्वियसली अब हम लोगों को भी ऐसे हैश टैग के अलावा कोई भी रैंक पे आना पसंद नहीं है तो हर बार यही रहता है कि भले कोई भी टूर्नामेंट खराब भी चला जाए हम लोग का तो भी हम लोग ऐसे नहीं कि डिमोटिवेट हो जाते कि नेक्स्ट टूर्नामेंट टॉप फाइव टॉप थ्री आके सेटल हो जाएंगे वही है कि हम लोग को जीतना ही है बस शायद देखिए आप आईजीएल है आईजीएल के ऊपर बहुत भार होता है कि नो प्रॉपर परफेक्ट टीम बनाने का मैं जानना चाहता हूँ एक काफ़ी अलग सा सवाल है कि कोई कौन से ऐसे चार प्लेयर्स हो सकते हैं जो शायद कहीं कहीं से उठाए जा सके और अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो एक टफ कंपटीशन गॉड लाइक को मिल सकती को है कोई ऐसे प्लेयर्स हैं क्या कम्युनिटी में ना अभी मेरी जो प्रीवियस टीम थी जब मैं उनको लीड कर रहा था तब वो टफ कंपटीशन दे रहे थे तो अभी का तो पता नहीं तो वही बोल सकता हो सो नाओ देर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर दिसम क्योंकि जिस तरीके से टीम खेलती है बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले और गेम स्टाइल्स इनके देखने को मिलते हैं बट यू नो बिफोर वी जस्ट एंड अपल द सेगमेंट जॉन इज दर एनी मैसेज जो आप ऑडियंस मेम्बर्स को यहाँ पर देना चाहेंगे इस बार लाइक like, बहुत अभी लाइक like, बहुत टाइम हो गया कि हम कुछ जीते नहीं है बट अभी फुल कोशिश करेंगे ये टूर्नामेंट जीतने का सो so, तैयार रहो ठीक है so, सो ये ट्रॉफी जो दिख रही है आपको ये आप लोग क्यों वाली वेल well, ये बातें काफी दिल से यहां पर कही गई है एंड इनका एक कोड भी रहता है दिल से गॉट लाइक सो लेट सी नो यो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से आती है हमारे मास्टर सीरीज के अंदर एंड विद दैट ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड विल सी ऑन द अदर साइड